खुशामदीद बारान रहमत किस ट्रांसमिशन में, जिसमें आज मेरे गेस्ट हैं हीरा और मानी। इनसे जैसे ये दोनों प्यारे हैं, जैसे ये सच्ची सच्ची बातें करते हैं, वैसे ही प्यारी प्यारी बातें आज हमें इन दोनों से सुनने को मिलेंगी। वो जो टेलीविजन की स्टार है, वो घर में अगर आकर कहे कि मैं पोछा क्यों लगाऊं? क्योंकि रीमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि टीवी एक मीडियम है, वो आपका एक काम है। जिस तरह डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन करता होगा ना, घर में तो आके शुरू नहीं हो जाता होगा। तो मुझे लगता है कि बस टीवी तक आपको ये काम करना चाहिए, उसके बाद वो आपको जैकेट उतार के एक नॉर्मल इंसान की जैकेट पहननी चाहिए, जिसमें आप माँ भी होते हैं, बीवी भी होते हैं। अच्छा हीरा, शक्ल इतनी आपकी मासूम है, इतनी इनोसेंट। आप ये बताएं कि बचपन में कभी कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी हरकत करती थी जिसकी वजह से कभी डांट? क्योंकि मुझे लगता है कि आप शरारत भी करती होंगी, तो जैसे अम्मी के सामने जाती होंगी तो अम्मी बस इसकी बजाय उल्टा सीने से लगा लेती। हाँ, वैसे यही बात है कि मैं तो ऐसी शरारत याद है बचपन में? मुझे, मैं बहुत शरारती थी रीमा जी। मैं इतनी शरारती मुझे अपनी अम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, मैं एक ही हूँ। नहीं, आप गलत कह रही हैं। अभी मैंने कहा रमजान में झूठ नहीं बोलते। मेरी कोई एक बहन नहीं ना, एक तो समझ लो यार, आप तो मेरी जान है। सबकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं अभी, और पता है अब जब मैंने काम किया ना मानी रीमा जी, तो मुझे ज्यादा इस काम को करने वाले लोगों की ना बड़ी अहमियत समझिए। अब मैंने एक्टिंग शुरू की ना, तो अब मुझे आपकी और ज़्यादा इस चीज़ में आपकी कदर हो रही है कि यार आपने इतने अरसे अपने आप को सस्टेन रखा इस फील्ड में, जबकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं भी था, जबकि उस वक्त इतने लवाजमात नहीं थे, आठ आठ नौ नौ घंटे जून जुलाई की गर्मी में आपको खड़े होकर काम करना पड़ता था, दिसंबर जनवरी की सर्दी में आपको काम करना पड़ता था, आठ आठ नौ नौ घंटे खुले आसमान के नीचे। तो ये कोई भी मकाम, कोई भी नाम आसानी से नहीं बनता। उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल होती है। शादी से पहले आप इकलौती, कभी कोई बात बुरी लग जाती होगी, नाराजगी तो हो जाती बहुत होती थी उस वक्त। माँ बाप का जो एहतराम था और माँ बनने के बाद माँ बाप के एहतराम, दोनों में कोई फर्क महसूस? अम्मी को तो पहले मैं इतना फॉर ग्रांटेड लेती थी, मुझे लगता था कि क्या है आपको, क्या है, कोई नहीं, ये वो। अब मुझे सिर्फ अम्मी याद रहती हैं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यार माँ क्या चीज़ होती है। मतलब माँ ही नहीं, एक औरत का एहतराम, या औरत एक बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने जब औरत बनाई होगी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने अपनी खसूसियत उसमें डाल दी है। 70 माँ, तभी तो अपने प्यार को माँ के प्यार से तशबीह दी है, 70 माओ जितना प्यार करता है। अम्मी ने थोड़े से पैसों में और थोड़ी सी चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ें फराहम कर दी हैं, या वहाँ खड़ा कर दिया। मैं कहती हूँ रीमा जी, पैसे, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, ये मैटर नहीं करते। मैं कहती हूँ माँ अगर दिल से अपनी औलाद के अंदर कोई तरबियत डालती है तो वो बिल्ट इन, वो फिर फॉर द लाइफ टाइम रहती है। तो ये अम्मी का जो है ना, मुझे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुजम्मल इब्राहिम के अंदर तालीम तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करूँगी वो हासिल करें, लेकिन जो बड़ों का एहतराम वो करें ना, वो मेरी अचीवमेंट होगी।